हेलो सानूर हेमंत, मैं आपको आज एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहूंगा जिसकी ऑल इंडिया रैंक 27 है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सानूर हेमंत जो हैं वो आसाम के एक छोटे से गांव पे, क्या नाम बताया आपने, हो जाए होजाई से हैं। ये बहुत छोटी सी जगह है जहां पर नॉर्मली बहुत कम लोगों को यही पता है कि एमसीए भी होता है, पढ़ाई का माहौल कम है। और ऐसी जगह से एक अच्छी रैंक को लेके आना, 25th रैंक को लेके आना, अभी ऑब्वियसली एनआईटी त्रिची में जाएंगे, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और इनके आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं एजुकेशन में फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं किस तरह से आपने कब ये सोचा कि आपको एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, फिर आपने क्योंकि जब सोचा उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ गए, पर उसके पहले और आपका क्या दिमाग में आता था, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं वहां पर इस तरह का कोई एटमोसफियर नहीं है, तो कैसे ये फीलिंग्स और कैसे अपने आप को तैयार किया, मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं, जिससे कि उन जगहों पर जहां छोटी जगहों पर कई बार बच्चे रिमोट एरिया में रहते हैं उनको लगता है कि हमारे एरिया में कुछ नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़े। पर मेरा ये मानना है कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। हेलो सर, हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शानू आहमेद है और मैं होजाई टाउन से हूँ। ये असम स्टेट से हूँ और ये ज्यादा बड़ा टाउन नहीं, यहाँ पर ज्यादा स्टडी के लिए ज्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा अच्छा कोचिंग या ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ऑलमोस्ट जो भी सीखता हूँ तो वो ज्यादातर यूट्यूब से ही सीखता हूँ। तो मैंने अभी जस्ट बीएससी कंप्लीट किया है मैथ्स मेजर से, और इससे पहले तो मेरा मन तो एमएससी करने का ही था, एमएससी इन मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मैथमेटिक्स में। मैंने बीएससी तो कंप्लीट कर लिया लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे छोटे से ही लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का मन था, लेकिन 12th के बाद जब इंजीनियरिंग नहीं हो पाया तो मैंने बीएससी जनरल लाइन ज्वाइन कर लिया। फिर एमएससी जब करने का टाइम आया तो तब लगा कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, अगर ये मैं कर भी लूँ तब भी ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, मुझे ज्यादा फ्यूचर में ज्यादा अच्छा मतलब लाइक मन नहीं बैठा गया इसमें। तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि बीएससी मैथमेटिक्स के बाद क्या और स्कोप है। तो मैंने फिर आपका वीडियो देखा, आपका यूट्यूब चैनल देखा, इम्पीटस गुरुकुल, तो तब मुझे मालूम चला कि एमसीए करके भी कोर्स है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं। तो फिर जब मैंने सिलेबस देखा तो देखा ज्यादातर मैथ्स का ही है, और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण मुझे ज्यादा मतलब सिलेबस इजी लगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है ज्यादा टाइम, मैंने एक्चुअली आपका चैनल मुझे मालूम चला दिसंबर में, तो ज्यादा टाइम भी नहीं था, मई मंथ में एग्जाम था तब के लिए। अभी तो फिर कोविड की वजह से थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल गया। हाँ हाँ सर, तो वो भी काइंड ऑफ लाइक अच्छा ही हुआ मेरे लिए, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया पढ़ने के लिए, थोड़ा टाइम ज्यादा टेस्टिंग के लिए मिल गया। तो वही मैंने आपका फिर ऑनलाइन क्लासरूम ज्वाइन कर लिया, वहां से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, और फिर रेगुलर टेस्टिंग जो था वो मैंने करता रहा। और एक करेक्शन था सर, मेरा 25 एक्चुअली रैंक नहीं था, 27th रैंक था। तो वही मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रैंक होगा करके, मैंने सोचा कि अराउंड, और एक बात भी था कि आपका वो जो आप बोलते रहते कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई मत करो, ये नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करो, तो मैंने वही करता रहा। मैंने कभी सोचा नहीं कि इतना अच्छा रैंक आएगा, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए, फ्रेंड्स एंड ऑल रिलीव सभी बहुत बहुत ज्यादा खुश थे कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट हुआ करके। तो वही अभी वेरी गुड। वैसे आप 25th रैंक भी अपने यहाँ की नीरज की है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसका इंटरव्यू भी लिया था, तो वही बाई चांस निकल गया, तो आपकी 27th रैंक है। अब सोनर मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे अभी आपने एक बात बोली कि आपको दिसंबर में पता चला, आप सभी बच्चों को जो ये सेशन सुन रहे हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पता कब चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये पता चलने के बाद एक्शन कितनी जल्दी लिया। तो जैसे आपने पता चला और आपने तुरंत एक्शन लिया और पढ़ाई चालू कर दी, जबकि उस समय केवल 5 महीने बचा था, वो तो ये अलग बात है कि कोविड के वजह से एग्जाम बढ़ गया। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता रहता है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कि क्या करना है, पर वो सोचते रहते हैं और प्लान बनाते रहते हैं पर एक्शन नहीं लेते। तो मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूंगा कि आप इस बच्चे से अगर कुछ सीख सकते हैं तो ये सीखने वाली चीज है कि इसने दिसंबर में सर्च किया, सर्च में इसको इम्पीटस गुरुकुल का चैनल मिला, और आज अच्छी बात यह भी कि आज इम्पीटस में ऐसा कोई स्टेट कोई सिटी नहीं है पूरे इंडिया की जो ना जुड़े हो बच्चे। तो इसने सर्च किया, इम्पीटस गुरुकुल का चैनल मिला, देन डिसाइड किया और इमीडिएटली पढ़ाई करना चालू कर दिया। जब तक तो इसको यही पता था कि 5 महीने बाद एग्जाम होना है। तो आप सभी बच्चों को मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि लाइफ में करना क्या है,
जो भी करना है, चाहे आप एमसीए करें या कोई भी कोर्स, पर अगर डिसाइड कर लिया तो एक्शन जरूर लें। और ये इस बच्चे का आपके सामने गवाह है कि इतने कम समय में, नहीं तो नॉर्मली इतने कम समय में अक्सर बच्चे निगेटिव होकर ही चलते हैं कि इतने कम समय में कुछ नहीं होगा, इतने कम समय में 27 रैंक को अचीव करना अपने आप में मायने रखता है। तो इसके लिए एक बार फिर बधाई दूंगा। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप एक स्मॉल टाउन से हैं, पढ़ाई की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, कई लोग इस वजह से अपनी पढ़ाई को रोक देते या आगे नहीं बढ़ते, जबकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली ये मेरे पेरेंट्स और फैमिली का भी सपोर्ट है, वो लोग सभी चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, तो इसीलिए ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, खुद से भी लाइक होना चाहिए कि छोटे टाउन से भी होने से भी लाइक वो तो होना चाहिए कि खुद को आगे कुछ करना है, यहाँ से निकलना है, काइंड ऑफ लाइक ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब सिटी है, बट लाइक तब भी कुछ बेटर लाइफ में करना अगर माने तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो पढ़ाई, हाँ मेरा तो यही मानना है, वही आपका भी मानना होगा कि अल्टीमेटली तो पढ़ने से होगा। स्मॉल टाउन बिग टाउन इज नॉट अ मैटर, मैटर है कि हमने लाइफ में जो डिसीजन लिया है उसको हम एक बार आगे बढ़े। अच्छा, जब आपने ये मन बना लिया कि मुझे एमसीए ही करना है और उस समय टाइम कम था, तो मन में कोई ऐसा विचार आता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा स्टार्टिंग? पहले तो आता था, हाँ पहले आता था, क्योंकि पहले रैंक ज्यादा अच्छा नहीं आता था टेस्ट में, लेकिन तब भी आप बोलते थे कि लाइक करते रहो, अभी भी नहीं आने से फाइनल एग्जाम में भी आ ही जाए। एक्चुअली मेरे लाइक ऑनलाइन टेस्ट में भी इतना ज्यादा अच्छा रैंक कभी ज्यादा अच्छे से नहीं आता था, कभी कभी एक दो बार लाइक रैंक 50 के अंदर आ जाता था, लेकिन हाँ फिर फाइनल में एक्चुअली बहुत ज्यादा ही वही अच्छा हो गया। नहीं, उसका कारण है आपने जो अभी एक वर्ड बोला कि मैं बोलता था टेस्ट में रैंक नहीं आई कोई बात नहीं, पर इतने पेपर्स मिलके एक पेपर बनेगा, और देखो वही हुआ। सब कुछ हमारे मटेरियल का था और वो उसका फायदा मिला, तो पेपर के एनालिसिस और पेपर देने का फायदा मिला, और वही चीज हमें आगे बढ़ाती है। तो मैं एक चीज और चाहूंगा, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, कई बच्चे जो अब जो जूनियर्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे जूनियर्स हैं ज्वाइन कर लिया है, तो जब उनके टेस्ट में स्कोर नहीं आते तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, या क्वेश्चन नहीं बनते तो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने अभी जो वर्ड बोला उसके लिए मैं चाहूंगा आप उनको सही मैसेज दें कि अगर टेस्ट में स्कोर नहीं आए तो क्या करना चाहिए, टेस्ट पेपर को एनालिसिस कैसे करें, और कभी भी टेस्ट, क्योंकि मेरे मुझे याद है आपका टेस्ट में कभी कोई टेस्ट नहीं छोड़ा तो उसका एक फायदा मिला। तो ये चीज पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एक टीचर बोलता बच्चे सुनते हैं, फिर उनको लगता है सर तो बोलते रहते हैं, पर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट बोलता है तो इसका फर्क अलग पड़ता है। तो अगर टेस्ट में स्कोर नहीं आता तो उसके अगले दिन आपको टेंशन तो होती होगी, पर फिर भी क्या सोच के कंटिन्यूटी बनाए रखे ये जरूर बताओ आप। पहले तो सर को, जिससे भी आप कोचिंग ले रहे हो उसके पर फुल फेथ रहना चाहिए। तो सर बोल दे तो ऑब्वियसली सर को मालूम है कि अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते सर लगाने से एंड में तो रिजल्ट मिलेगा ही। तो वही अगर कभी टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया तो ऑब्वियसली फर्स्ट में तो थोड़ा खराब लगता है, लेकिन वही चेक करना चाहिए कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो और वो मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम दोबारा ना दोहराए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। अगर कोई टॉपिक वीक हो तो उसको ज्यादा से पढ़ो, अगर टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है तो, और एक मेरा एक और प्रॉब्लम होता था कि मैं एक क्वेश्चन में लगा रहता था, अगर वो आंसर नहीं आए तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही मुझे मालूम चला कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हाँ। ये मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात भी बहुत अच्छी बोली बेटा आपने। ये चीज का मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन नहीं बना छोड़ के आगे बढ़ जाओ ना, क्यों उसको उस समय करना है? ये कई बार हम उसको छोड़ नहीं पाते, पर जब तक ये हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। तो ये बात अगर समय रहते हुए किसी को समझ में आ जाए तो उसका फायदा मिलता है, और आपने भी समय रहते हुए समझी। तो आप सभी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक तो टेस्ट में स्कोर नहीं आने से घबराना नहीं है, और हर क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना, बल्कि पहले उन क्वेश्चन के पीछे पढ़ना जो आता है। और जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा फोकस इस पे हो कि क्या आता है, ना कि इस पे हो कि क्या नहीं आता। तो काफी अच्छी बात बोली, आसाम एक अच्छी सिटी, अच्छी स्टेट है, और बहुत जल्दी हम लोग घूमने भी आएंगे, पर अभी आपको भोपाल आना है, और बहुत ही जल्दी ये थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो हम सब एक गेट टूगेदर अवार्ड सेरेमनी रखेंगे, उसमें आप बच्चों से जूनियर से फिजिकली भी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, अभी आपको लाइफ में आगे बहुत तरक्की करना है, ये आपका स्टार्ट है, जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ो। आप देखना आने वाले समय में, आज आप निकले हो त्रिची, अब आप ये देखोगे कि अब ये लाइन डोरी चलना चालू होगी, और आप अगले 4-5 साल में देखोगे कि आपकी जिस सिटी से आप हो उस सिटी से धीरे धीरे बच्चे
हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलेंगे और यही एक कोशिश होना चाहिए और इस कोशिश को हमेशा बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट। और आप अगले आखिरी कोई मैसेज देना चाहते हो इम्पीटस गुरुकुल के स्टूडेंट्स को तो मैं चाहूंगा जो आप मैसेज देना चाहते हैं बताएं जूनियर्स को अपने। तो जूनियर्स को यही मैं बताना चाहूंगा कि वो कभी गिव अप ना करें, वो एवरी टाइम पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा अभी अच्छे से वही। वेरी गुड। तो आगे बढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई करना ही पड़ेगा और वही गिव अप ना करें, खुद करते रहे और प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर हार्डवर्क करते रहे तो डेफिनेटली एंड में रिजल्ट मिलेगा सभी को। यस, मेहनत करते रहेंगे लगातार, छोड़ेंगे नहीं तो एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। चलिए इसी शुभकामना के साथ ये सेशन एंड करता हूँ। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी बधाई इस 27 रैंक के लिए। खुश रहो और सक्सेसफुल रहो। थैंक यू। थैंक यू सर।